नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। एक तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कटिबद्ध हैं और तमाम योजनाएं चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ताजा मामला प्रकाश में आया है। वाराणसी के दसवा में एक थाना वार्ड रामापुरा की रहने वाली ज्योति केसरी ने जिलाधिकारी महोदय को शिकायती पत्र सौंपा। ज्योति का कहना है कि आए दिन उनकी जेठानी और उनके ससुराल वाले उनसे गाली गलौज मारपीट व उन्हें प्रताड़ित करते हैं, जिससे पीड़ित ज्योति केसरी बहुत परेशान है। ससुराल वाले ज्योति केसरी पर दबाव बनाकर ज्योति केसरी की संपत्ति को हड़पने की मंशा रखते हैं। कभी बिजली के बिल को लेकर, कभी पानी कनेक्शन, तो कभी जमीन और मकान को लेकर आए दिन झगड़ा करते हैं और बार बार प्रताड़ित करते हैं, जिससे वो अपने पति के साथ नागपुर चली जाए और वहीं रह जाए और इसका फायदा उसके ससुराल वाले उठाकर उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लें। तौफीक खान की रिपोर्ट। मेरा नाम ज्योति केसरी है। आज किस लिए आप एसएसपी कार्यालय आई हुई हैं? मैं आई हूँ अपने घर में प्रॉपर्टी से संबंधित और जो क्लेश लड़ाई झगड़े होते हैं हम लोगों के रिश्तेदारों के द्वारा, जो भी और रिलेटिव हैं उस मकान में रहते हैं, रामापुरा में मेरा निवास स्थान है लक्सा पे, उसी के लिए मैं आज आई हूँ विज्ञप्ति देने के लिए। तो रिलेटिव में कौन है आपके परिजन में जो आपसे लड़ाई करते हैं? कमल टेंट हाउस हैं, कृपा टेंट हाउस हैं, उन्हीं में हैं आपके कमल केसरी जी हैं, कृपा शंकर केसरी हैं, उनके दोनों बेटे हैं अमितेश केसरी और रितेश केसरी, उनके परिवार की महिलाएं भी हैं, और आपकी ममता केसरी हैं, उनके बेटे हर्षित केसरी हैं, जिनके द्वारा अंतर्गत में मामला है ये आपका आता है लक्सा थाने के अंतर्गत। तो और मतलब सिर्फ कितने दिनों से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आप? ये लड़ाई झगड़ा कम से कम 4-5 साल और उसके पहले से शुरू से ही एक्चुअली हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि हम लोगों की जो पैतृक संपत्ति है उसके बंटवारे के लिए मेरे जो जेठ हैं बीच के, उनका नाम रमेश केसरी है, चूँकि वो 2007 में गुजर चुके हैं, तो उनकी पत्नी जो है ममता केसरी हैं, उनको बार बार कहा जा रहा है बाकी लोगों को भी कि आप लोग जो पैतृक संपत्ति है उसको बंटवारा करा करके झगड़ा लड़ाई को ख़त्म कराइए। कोई भी अभी तक तैयार ही नहीं हुआ है बंटवारे के लिए, कोई तैयार भी नहीं है, और प्लस जो लाइट बत्ती है, घर में सामान चोरी करना है, ये सारा कुछ वो करते रहते हैं। चूँकि हम लोगों का वहाँ लक्सा पे जो है एक मोहल्ले में रामापुरा में 3 मकान है। अच्छा। उसी का विवाद जो है बहुत सालों से चला आ रहा है, घर के सभी लोगों को कह दिया गया है कि इसको बैठ के निस्तारण कराइए, ख़त्म कराइए, वो लोग ये करते नहीं है। आए दिन लाइट को लेके, पानी को लेके, बाकी चीज़ों को लेके परेशान करते हैं कि चाहे ममता के और ममता केसरी जो हैं उनको बार बार हम कहें कि आप विडो हैं, कम से कम आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए जिलाधिकारी को या एसएसपी को या स्थानीय संबंधित थाने पर चल के, आपके और मेरे द्वारा जो है कम से कम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ख़त्म करा लिया जाएगा। मैंने, मेरे पति नागपुर में रहते हैं, तो मैंने उनसे प्रॉपर्टी का जो पावर ऑफ अटॉर्नी होता है वो लिया हुआ है ताकि इसको ख़त्म कराया जा सके, लेकिन कोई तैयार ही नहीं है। अब उनकी मंशा क्या है या फिर वो इसलिए मुझे प्रताड़ित करते हैं कि घर छोड़ के चली जाऊँगी तो बाकी जो मेरा सामान है वो चोरी होगा, गायब होगा, बाकी चीज़ें भी हैं, तो उसी से संबंधित जो है विज्ञप्ति यहाँ देने आई।